हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना पैनकेक। उसके लिए मैंने यहाँ पे दो बनाना लिए हैं। 1.5 कप मैंने यहाँ पे प्लेन फ्लावर लिया है, 1/2 कप के करीब मैंने यहाँ पे शुगर लिया है, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1/2 कप मिल्क, थोड़ा सा वनीला एसेंस एंड 2 eggs। मैंने जो बनाना थे उनको इस तरीके से पील करके छोटा छोटा काट लिया है। वो मैं एक मिक्सर का जार लिया है, इसमें डाल दे रही हूँ। इसी में मैं 2 अंडे जो थे वो डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो एग को स्किप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है 1/3 कप शुगर, वो भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। 1/2 कप मिल्क। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं 1.5 कप प्लेन फ्लावर डाल दे रही हूँ, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो हमारा बैटर तैयार हुआ है इससे हम ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड कर दूंगी। ये हमारा बैटर रेडी है। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और मैंने इसमें करीब 1 टेबल स्पून जो है ऑयल का यूज किया। आप चाहे तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं 1 इस तरीके से बैटर इसमें डालूंगी। हमें इसे फैलाना नहीं है और अपनी गैस का फ्लेम जो है स्लो रखना है। ये देखिए, इस पे बबल्स आने शुरू हो गए हैं, डेट मीन्स ये नीचे से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको पलट देते हैं, कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरीके से हम इसको नीचे से भी पकाएंगे। हम इसको पलट लेते हैं एक बार। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पैनकेक बनके तैयार हुआ है। तो इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।